इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। प्यार ये अतिशय क्षेत्र हमारा, हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा, हमें प्राणों से प्यारा। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है, बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा, हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा, हमें प्राणों से प्यारा। बोलिए अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की उपस्थित महानुभाव आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के इस पहाड़ी पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। भव्य सहस्कूट जिसमें 1008 जिन बिंब की स्थापना होगी, यदि आप भी चाहते हैं आपके परिवार की ओर से, आपके समाज की ओर से यह सौभाग्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस तीर्थ पर एक जिन बिंब की स्थापना का प्राप्त हो, तो आप अपना मन मानस बनाकर अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग से अपनी स्वीकृति इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं। एक प्रतिमा स्थापित करने के लिए बेदी छत्र चंवर भामंडल सहित 3,51,000 रुपए की स्वीकृति निछावर राशि रखी गई है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पर्वत पर मंदिर बन रहा है और मंदिर तक पहुंचने वाली सीढ़ियां जिसका निर्माण कार्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रारंभ हो चुका है, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और उस सीढ़ियों के माध्यम से वो जिस दिन सीढ़ियां पूरी होंगी, ये समझ लेना हमारी किस्मत बुलंद हो रही है और आचार्य भगवान के चरणों से पंच कल्याण का आशीर्वाद शीघ्र हमें प्राप्त होने जाएगा। ऐसी भावना के साथ एक एक सीढ़ियों के माध्यम से पूरा भारतवर्ष उससे जुड़ता चले। और एक सीढ़ी की एक शिला की निछावर राशि 21,000 रुपए है। यदि आप चाहते हैं ऐसा सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो, तो आप अपनी स्वीकृति इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं। राजेंद्र कुमार जी, सौरभ जी जैन, वर्षा मेडिकल सागर, आज आपको प्रथम शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आप सब परिवार आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, इधर आ जाओ। कंवर सेन जी, रजत जी जैन, रेवाड़ी हरियाणा, आपने भी चंद्रगिरी चातुर्मास कलश के माध्यम से 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी, तालियां बजाकर अनुमोदना, दान की अनुमोदना। आप भी आए आचार्य भगवान के करकमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सोहन लाल जी, अशोक कुमार जी गंगवाल, स्वागतम साड़ी सूरत वाले हैं, जो पूज्य विजय सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन है, तालियां बजाकर अनुमोदना ऐसे परिवार की। आपने इस एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप सभी सास भेंट करने पधारें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो मरण। मूक माटी प्राकृत व अपरन भाषा में अनुवादित डॉक्टर स्नेहलता जयपुर जैन, जो जैन विद्या संस्थान महावीर जी राजस्थान की सहायक निर्देशिका हैं, आपने www.vidyasagar.guru के संचालक की गृहस्थ माता जी हैं, उनका सम्मान चंद्रगिरी के तीर्थ पर, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए
और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और एक सूचना आप लोगों के लिए, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से www.vidyasagar.guru पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसका नाम है वतन की उड़ान। आज शिक्षक दिवस पर रायपुर पर इसका अखिल भारतीय स्तर पर पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया है, जहां पर 77 शिक्षक सम्मान वतन की उड़ान की प्रतियोगिता के 77 विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया जाना है। और चंद्रगिरी ट्रस्ट की ओर से हम आपसे निवेदन करते हैं, जितने भी विजेता यहां पर उपस्थित हुए हैं और जो भी वहां जाना चाहते हैं रायपुर पुरस्कार वितरण में, उन सभी के लिए दोपहर 12 बजे बस का एक पीले रंग की बस मंदिर के गेट के सामने खड़ी रहेगी आप सभी को कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए। आप तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें, मेरी आवाज़ सब तक समझ में आ रही है। 12 बजे बस रवाना होगी और जिसके लिए संपर्क सूत्र है डब्बू जैन डोंगर गांव वाले हैं, उनका नंबर आप नोट कर सकते हैं कोई अधिक जानकारी के लिए 8827864348। आप सभी से निवेदन, आप सभी के जाने की व्यवस्था वहां तक के लिए रखी गई है। अभी जिन जिन प्रतियोगी यहां पर बैठे हैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं। ब्रह्मचारी सारांश भैया के नाम से उनके दादाजी की तरफ से ज्ञानचंद जी, राकेश जी, आयुष जी, सांगानेर, जयपुर वालों ने एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना। श्रीमती कंचन देवी, उषा देवी, कुलदीप, पीयूष, अजमेर, सांगानेर परिवार, आपने 21,000 की एक और शिला के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रकाश चंद जी, अमित कुमार जी, मुकेश कुमार जी, सारांश गंगवाल, आपने ऑनलाइन 5,00,000 रुपए की स्वीकृति दी थी। चंद्रगिरी के आचार्य श्री विद्यासागर जी कलश की स्वीकृति दी थी, आज उनका परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मेरी आवाज यदि सुन रहे हैं तो प्रकाश चंद जी, अमित कुमार जी, मुकेश जी, सारांश जी गंगवाल, जसपुर, आप आए आचार भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती संगीता सिंघई, अरुण सिंघई सिहोरिया, जो जिन्होंने मंगलाचरण का भी सौभाग्य प्राप्त किया, आपने चंद्रगिरी निर्माण में 11,000 रुपए की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानन, जय हो अत्र तिष्ठ ठा स्थापनम, जय हो जय हो, अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है, चंदन सम शीतल तापाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ सम समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय पर प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला,
तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शोधना रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जलाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासन है अरुण काम ना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ते हुए www.vidyasagar.guru पर आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से हिंदी भारत के माथे की बिंदी भाषा अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल इस पुस्तक पर आधारित 10 सितंबर से 14 सितंबर तक आयोजित है ऑनलाइन प्रतियोगिता। सभी उसमें हिस्सा ले सकते हैं, निशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता है। हम सभी चलते अपने हाथों को जोड़ लें आचार परमेष्ठी के पावन पुनीत चरणों में अपना नमन करते हुए पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं। हे निर्यापक परमेष्ठी अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सभ्य साहूणम। 24 शंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूजनीयापक मुनि श्री समय सागर जी योग सागर जी नियम सागर जी सदा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, जैन दर्शन में तत्व होते हैं जीव अजीव आश्रव बंद संवर निजरा और मोक्ष। ये 7 तत्व होते हैं। जीव अपनी यात्रा प्रारंभ करता है जीव तत्व, उसका लक्ष्य रहता है कि हम पहले स्थान से उसको प्राप्त करते हुए अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच जावें, मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लेवें। ऐसा भव्य जीव की हमेशा प्रयास प्रसाद रहता है।
भारतीय पृष्ठभूमि में जीवन का उद्देश्य क्या होता है, इसके लिए सभी धर्मों ने बताया है कि धर्माचरण आचरण करते हुए वह काम पुरुषार्थ करता है, अर्थ पुरुषार्थ करता है, बाद में अंत में उस मोक्ष तत्व को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकमात्र शिक्षा ही माध्यम होता है जो उस उद्देश्य की पूर्ति को प्राप्त करने में, उसके लिए अंतिम लक्ष्य पहुँचाने के लिए सहायक होता है, एकमात्र शिक्षा ही होती है। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक का पहला शब्द ही बता रहा है शिष्टाचार, ये सब भारतीय पृष्ठभूमि के अंतर्गत आपको बता रहे हैं कि शिक्षक का पहला शब्द बता रहा है सिया ने शिष्टाचार का पालन करने वाला, और दूसरा है छा क्षमतावान, शक्ति जिसमें हो कुछ कर सके क्षमतावान है, और तीसरा होता है का कर्तव्य परायणता। इस शिक्षक की परिभाषा है कि जो शिष्टाचार से युक्त हो, क्षमतावान हो और कर्तव्य परायणता हो, वही शिक्षक कहलाता है। भारतीय शिक्षा के मूल तत्व जिसको मैं समझता हूँ कि भारत में इतने विद्वान, इतने संत हैं, इतने सब कुछ भी व्यक्ति लोग हुए ना, जितना इस पुस्तक के लिए आचार्य महाराज जी पसंद करते हैं, उत्तर संसार में कोई व्यक्ति उस पुस्तक को पसंद नहीं करता है। उस पुस्तक का नाम है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। पंडित लज्जा राम तोमर की पुस्तक 1984 में लिखी गई, आचार्य के कमरे में आई, पढ़ी आचार्य ने, आचार्य सुनकर के पढ़कर आश्चर्य करने लगे कि वास्तव में यही शिक्षा के मूल तत्व कहलाते हैं। यदि जिसने भारतीय शिक्षा के मूल तत्व को समझ लिया, पढ़ लिया, वह अपने जीव तत्व को मोक्ष तत्व की ओर ले जाने में सफल हो सकता है। शिक्षा दिवस का आज दिन बता रहा है, क्योंकि शिक्षा का सी ये बता रहा है कि जो बालक को, विद्यार्थियों को कहाँ तक ले जाए, शिखर तक। शिक्षक का पहला शब्द क्या बता रहा है, जो शिखर तक ले जाता है, किनके लिए, जो अध्ययनशील हैं, परिश्रमशील हैं, जो ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, ऐसे बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कन्याओं के लिए, छात्राओं के लिए शिखर तक ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है वह शिक्षक कहलाता है। और जो क्षमावान भी होता है, छाका क्षमावान भी कहलाता है। और तीसरा शब्द बताता है का, शिक्षक जो कमजोरी को दूर करने वाला होता है वह शिक्षक कहलाता है। मतलब शिखर तक ले जाने वाला, क्षमावान और से कमजोरी को दूर करने वाला वह शिक्षक कहलाता है। पोलियो की दवा तो आप कब पीते हैं बताना जरा, 55 में पीते हो क्या? पोलियो की ड्राफ्ट होती है ना, पोलियो की दवाई पी जाती है, 55 में नहीं पिलाई जाती है, वो बचपन में पिलाई जाती है। कब पिलाई जाती है? बस इसी प्रकार से बचपन जो होता है कोमल पत्तों के समान होता है। शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है, शिक्षक ही ऐसा होता है इन जो छोटे छोटे नन्हे बालकों को संस्कारवान बनाता है, कोमल पत्तों को सही समय ठीक कर देता है, उनकी कमजोरी दूर कर देता है। और वही बाद में यही विद्यार्थी, यही शास्त्र, यही छात्राएं, छात्र छात्राएं भारत के क्या बनते हैं, कर्णधार बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, धर्म नेता बनते हैं, संत बनते हैं, आरिकाएं बनती हैं। एक बालक से पूछा गया, बालक तुम बड़े होकर क्या बनोगे, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में बता रहे हैं हम आपके बात, बालक से पूछा कि बालक तुम बड़े होकर क्या बनोगे, बालक ने कहा मैं पागल बनूंगा। बालक ने क्या कहा? पागल बनूंगा। तो पूछा तुम पागल क्यों बनोगे, शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो ये पागल बनने के लिए कर रहे हो क्या? उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा पापा कहते हैं डॉक्टर बनो, मम्मी कहती हैं इंजीनियर बनो, और हमारे चाचू कहते हैं तुमको क्रिकेट खिलाड़ी बनना है, दादा दादी कहती है नहीं तुमको तो अच्छा एक अभिनेत्री बननी है, और से बड़ी माँ कहती हैं तुम्हारे एक संगीत कला में जाना है, और से हमारे दादू कहते हैं तुमको नेता बनना है, पीएम मोदी जैसे नेता बनना है। अब बताइए, अब जो व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर वकील CA नेता ये बनेगा, क्या बन पाएगा? पागल के अलावा कुछ भी नहीं बन पाएगा। इसलिए
वास्तव में पागल का अर्थ क्या कहलाता है, जो पापों कहलाता है। यहाँ बच्चे की बात कितनी सही लगी, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली इसी प्रकार से हो गई है, क्योंकि उसको पता नहीं कि पांच मुखी शिक्षा क्या कहलाती है। उस भारतीय तत्व के मूल तत्व में सबसे पहले पंचमुखी शिक्षा की बात बताई गई है। ये भारतीय शिक्षा की पृष्ठभूमि में बात पहले बताई जाती थी। सबसे पहली शिक्षा है शारीरिक शिक्षा। शरीर आपका मजबूत है तो आपका सब कुछ मजबूत है, ऐसा नहीं कि पहलवानी करनी है, क्योंकि आपके हाथ में दम है, पैरों में दम है, तो हम किसी से कम नहीं है। इसलिए सबसे पहले शारीरिक शिक्षा की बात कही जाती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से पूरा अभाव दिखता है। वर्तमान में बच्चे रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, अब उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, खान पान का कोई भी ठिकान नहीं रह गया। इसलिए पहले शरीर शिक्षा की बात कही जाती है। जो बच्चा खेल के मैदान में कबड्डी फुटबॉल खेलते हुए मजबूत होता है, उसका शरीर विकास के साथ साथ में मानसिक विकास भी होता है, उसमें सांस और स्वर आ जाते हैं। इसलिए आचार्य महाराज जी ने इस बात का, जो परिश्रम करना चाहता है, जो परिश्रम को उसको पहले करना चाहता है, उसकी शिक्षा पहले दो। जब शरीर मजबूत होगा तो अपने आप है, साउंड बॉडी में ही साउंड मन, क्या बोलते ना, कहा गया ना, तो साउंड बॉडी होनी चाहिए। पहली शिक्षा शरीर शिक्षा कहलाती है, और दूसरी शिक्षा कहलाती है व्यवसायिक शिक्षा, ताकि वह कुछ परिश्रम करके कुछ धन का उपार्जन कर सके, वैसे समझ सके। वर्तमान की शिक्षा आचार्य जी कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्रायोगिक हो, प्रैक्टिकली हो। वो कुछ विद्वान लोग शिक्षा प्राप्त कर लिए, नाव में बैठे हुए थे और नाविक से कहा चलो भाई मुझको वहां पर छोड़ दो, नदी में नाव थी, उस विद्वान लोग बैठ गए। उस नाविक जो खेलने वाला नाविक था ना, उसे पूछे क्यों बच्चे तुमने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है, कहाँ तक पढ़े हो, कुछ पढ़े हो क्या? नहीं मैं तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो अपने बस काम करता हूँ और लोगों को इस नदी पार से उस पार ले जाता हूँ, अपनी आजीविका करता हूँ, मैं खानदानी पेशा है। तुम कुछ भी पढ़े लेके नहीं हो, तुम्हारी तो अब चौथाई जिंदगी बेकार चली गई, चौथाई जिंदगी तो बेकार चली गई। अच्छा कुछ जानते नहीं जानते हो, इतिहास को जानते हो, बताओ महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? हम वो नहीं जानते, हम इतिहास वगैरह कुछ नहीं जानते। तो तुम्हारी तो आधी जिंदगी बेकार हो गई, तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार हो गई, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। अच्छा भूगोल जानते हो, क्या कहलाते हैं गोल गोल भूगोल? अरे भूगोल जिसमें बताया जाता है ना कि विश्व में भारत कहाँ पर है, तुमको नहीं मालूम विश्व में भारत कहाँ पर है? हम कुछ नहीं जानते, हम तो अपने गाँव में है और गाँव की नदी के पास में अपने से पानी में नदी में हम रहते हैं, नाव में रहते हैं। तब तो तुम्हारी तीन चौथाई जिंदगी बेकार चली गई। अब इतने में वहाँ तूफान आ गया, एक दो तीन से तूफान चल रहा था, पानी का मौसम चल रहा था, तूफान आ गया। अब तूफान आ गया तो बच्चे ने बोला, सब जितने विद्वान पढ़े लेकर पास में नाव में बैठे थे, कि दादाजी पापा जी बाबू जी आप लोग तैरना जानते हो क्या, सामने बड़ा तूफान आ रहा है। अरे हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते तैरना वगैरह। तो बच्चा कहता है अब तो तूफान आने वाला है और नदी में बचने की संभावना नहीं है, नाव पलटने वाली है, तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, तैरना जानते हो? नहीं तैरना नहीं जानते, सब जानते हैं, तैरना नहीं जानते हो, तुम लोग की जिंदगी पूरी बेकार चली गई, तूफान आया नाव पलट गई, घटना जैसी भी घटी हो। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए हमारे हिसाब से, तो वही शिक्षा हमारे लिए इस संसार से पार उतारने के लिए सहायक होता है। इसलिए आचार्य जी ने उसको प्रयोग करने के लिए हस्तशिल्प के लिए हस्तकरघा के लिए उपदेश दिया है, कि लोग भूल गए थे भारत देश ऐसा है। हम आपको बताएं, तीन भारतीय ईसा पूर्व के 3 साल पहले एक विज्ञान राजदूत आया ग्रीक, जिसका नाम मेगासनीस था, उसने क्या कहा भारतीय लोगों देख करके, यानी आज से लगभग 2024 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं आपके लिए। तब जब वह ग्रीक का वह आया राजदूत आया मेनसिन नाम, उसने क्या कहा कि भारतीयों को झूठ बोलने का अपराध कभी नहीं लगा, भारतीयों को झूठ बोलने का अपराध कभी भी नहीं लगा, क्योंकि भारतीय लोग सत्यवादिता और सदाचार को बहुत मूल्यवान मानते हैं, सत्यवादिता मूल्य मानते हैं।
इसलिए तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम इस भारतीय इतिहास में लिया जाता है। और उस समय शिक्षा की कैसे विशेषता थी कि उस समय इस भारत देश में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, बल्लभी विश्वविद्यालय था, विक्रम उज्जैन में विक्रम शिला विश्वविद्यालय था, बनारस में काशी विश्वविद्यालय था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, मिथिला बिहार में विश्वविद्यालय था, एक नदिया विश्वविद्यालय था। और आज के उस समय की बात कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 18वीं शताब्दी में भारत की क्या स्थिति थी, अकेले बंगाल में 80,000 विद्यालय पाठशाला थी, कितनी 80,000 केवल बंगाल में थी, जिसको टोल कहा जाता था। और पूरी शिक्षा पूरी दी जाती थी, उच्च शिक्षा दी जाती थी। आज जिनका जन्मदिन है डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने कौन सी अच्छी बात कही है कि मानता हूँ मैं कि जो विज्ञान की शिक्षा है, जो टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा देश का आर्थिक विकास तो होना चाहिए, ये देश के आर्थिक विकास के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जहाँ पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी, जिसको आप क्या बोलते हो टेक्नोलॉजी कहलाती है ना, इनको यदि आपका जीवन का आधार बना लिया आपने, इनको यदि अपने जीवन का आधार बना लिया, तो आपका यह जीवन जो जाएगा, ऐसे रहने वाले राज्य लोग राक्षस राज्य कहा जाएगा, राक्षस राज्य आ जाएगा। इसलिए राक्षस राज्य से बचने के लिए एक उपाय है कि हमारी पंचमुखी शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा दूसरी हो गई, तीसरी उसका होती है कि वह मानसिक शिक्षा होनी चाहिए, पंचमुखी में मानसिक, कि बच्चे का मानसिक विकास कैसे हो। बच्चे को 2.5 साल में आपने स्कूल में भेज दिया, वहाँ उसका मानसिक विकास भी रुक जाता है और शरीर विकास भी रुक जाता है। इसलिए खेल खेल में शिक्षा देने की जो व्यवस्था चालू हुई है, ये भारतीय पुरानी प्राचीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत की ही प्रैक्टिकली है। और चौथा होता है नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा जो पंचमुखी में, कि बच्चों को नैतिकता का ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान बच्चे शिक्षा तो बहुत प्राप्त कर रहे हैं, हृदय से शून्य हो गए हैं, उनमें भावनात्मक कुछ भी दृष्टिकोण नहीं रहा है, इसलिए शिक्षा चाहिए। और अंतिम शिक्षा के पंचमुखी होती है, वह कहलाती है कि आध्यात्मिक शिक्षा होना चाहिए। ये भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जाती है, सब देशों में अन्य शिक्षा दी जाती हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ की अंतिम में आध्यात्मिक शिक्षा की प्रणाली बताई जाने की परंपरा शुरू से रही है, कि अपने जीव तत्व को मोक्ष तत्व की ओर कैसे ले जावे, कैसे प्राप्त करें, यही भारतीय शिक्षा के मूल तत्व हैं, यही सब कुछ है। इसलिए जो कान से सुना हमने उसमें भूल जाते हैं, भारतीय शिक्षा की विशेषता क्या है, हम कहाँ से सुनते हैं ना उसको भूल जाते हैं, और आँख से हम तो देखते हैं वो याद ही नहीं रहता है, आँख से हम तो देखते वो याद ही नहीं रहता है, लेकिन हाथों से हम कुछ करते हैं तो हम उससे कुछ सीख जाते हैं। इसलिए भारतीय शिक्षा सिखाने की बात बताती है। इसलिए त्रिवेदी मैकाले ने जो हमारे लिए इस देश के लिए बड़ा षड्यंत्र रचाया, उसने क्या कहा, मैकाले ने क्या कहा, अपने पिताजी को पत्र लिखा, पिताजी मैं भारत में पहुंच रहा हूं, मैं ऐसा प्रयास करूंगा जितने भारतीय लोग हैं वो रुचि से तो शरीर से तो भारतीय रहें, बॉडी से शरीर से भारतीय रहें, रुचि से अंग्रेज रहें, विचारों से अंग्रेज रहें, मन से अंग्रेज रहें और बुद्धि से अंग्रेज रहें। उसका क्षण सफल रहा और हम उस चक्र में फंस गए। आज वक्त है, आज समय है शिक्षा दिवस, मैं ही कहना चाहता हूँ कि उस भारतीय शिक्षा प्रणाली को पुनः जागृत करें, और जो हमें प्राचीन परंपरा रही है, ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, जीव तत्व से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ऐसे तत्व को प्राप्त करें, तभी हमारा यह सब सार्थक होगा। कस्तूरी रंगन जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इसरो से यहाँ पर आए थे, 70 की बात है, उस समय उनसे पूछे आप यहाँ पर क्यों आए दर्शन करने के लिए, उसने क्या जवाब दिया, उन्होंने उनको बनाया गया भारतीय शिक्षा जो है ना जो सिलेबस का उसका अध्यक्ष बनाया गया। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद जी थे, उनसे पूछा कि मैं इसके विषय में किसके पास जाऊं जो हमको सही रास्ता दिखा सके, तो कोविंद जी ने कहा था छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ चंद्रगिरी है, वहाँ पर दिगंबर एक संत विद्यासागर महाराज जी विराजमान है, उनसे जाओ, उनके पास चरण पूछो, उनसे मार्गदर्शन लो। वो यहाँ पर आए, सबको मालूम नहीं मालूम रंग कस्तूरी रंगनाथन, यहाँ चित्र फोटो भी लगी हुई है। और उस समय उन्होंने आचार्य से मार्गदर्शन प्राप्त किया और शिक्षा के मूल तत्व में उन्होंने उस बात को
जाके लागू करने का निवेदन किया, प्रण किया। अब आपको विश्वास है कि जो आचार्य महाराज सोच लेते हैं, जो कह देते हैं, वह समय पर पूरा होता है। और बोलो अहिंसा परमो धर्म की जावाणी के ज्ञानते हैं सूझ लोक आलोक सो वाणी मस्तक धरुण सदा देव। हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन जो तेरु शरणा गई। खेती बाड़ी है शिक्षा, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। सागर जी महामुनि राज की रायपुर जो पुरस्कार वितरण समारोह है, 77वां अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह, उसमें जाने के लिए 12 बजे गेट के सामने पीले कलर की बस तैयार रहेगी। जो जो भी प्रतियोगी